दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने विधायक व महापौर पर विफलता का आरोप लगाया है। विकास कार्य की रफ्तार मुख्यमंत्री राशि दिए जाने की मांग भी की है। दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने शहर में विकास की रफ्तार कम होने के लिए निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व शहर विधायक अरुण वोरा को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि निगम में डबल इंजन की सरकार संचालित है, जो विकास कार्यों के नाम पर महज भूमि पूजन तक ही सीमित है और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते शहर के विकास की रफ्तार को ग्रहण लग चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्ग निगम महापौर व शहर विधायक अरुण वोरा प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्डों के आंतरिक विकास के लिए राशि लाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम के सभी 60 वार्डों की आर्थिक सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और गड्ढे की वजह से आए दिन वार्ड के नागरिक दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व शहर विधायक अरुण वोरा महज मुख्य सड़कों का ही रंग रोगन कर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने ये भी कहा कि अगर निगम महापौर और शहर विधायक मुख्यमंत्री से विकास कार्य के लिए पैसे नहीं ला सकते तो वे उन्हें आगे कर मुख्यमंत्री के समक्ष ले जावें। वे स्वयं हाथ जोड़कर विकास कार्यों के लिए राशि की मांग करेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। माननीय महापौर जी विधायक की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, आज तक वो ये बताएं कि दुर्ग शहर के पार्षदों को लेकर मुख्यमंत्री से राशि की मांग कर पाए। अरे अगर इनको तकलीफ होती है तो मैं ही हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि शहर विकास के लिए राशि दें। माननीय शिव कुमार डहरिया जी के तक मेरी बातें पहुँचती हो यदि तो इस शहर में दें। और विधायक जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि आप मेरे महापौर को स्वतंत्र करें ताकि वो अपने पार्षदों के साथ में जा करके इस शहर विकास के लिए राशि ला सके। माननीय विधायक जी MIC की बैठक में भाग लेते हैं, महापौर जी आज घोषणा करके आते हैं और कल से परिवर्तित करते हैं। महापौर जी विधायक जी के साथ जो कैबिनेट दर्जा मंत्री प्राप्त भी हैं वेयर हाउस के गोडाउनों में पाए जाते हैं। आप शहर की चौपाटी का हाल देख लीजिए, पुष्प वाटिका। और फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एक मेयर की ड्यूटी केवल विकास कार्य करके संपन्न हो जाती है? इस शहर का युवा क्या कर रहा है? इस शहर के बुजुर्गों को पेंशन कितनी मिल रही है? इस शहर का पर्यावरण कहाँ जा रहा है? हमारा भूजल स्रोत कहाँ जा रहा है? इन विषयों पे कभी धीरज बाकलीवाल जी ने चिंता की? इसलिए मैं कहता हूँ डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ माननीय महापौर जी हैं और एक तरफ विधायक जी के पुत्र हैं, जिनके कारण ये दोनों आगे पीछे खींचातान में 5 अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी इस निगम की। 2 साल इस कार्यकाल को हुआ है और माननीय धीरज बाकलीवाल जी से पूछिए या माननीय विधायक जी से पूछिए, दुर्ग शहर में पटेल चौक, गांधी चौक, पटरी पार में ओवरब्रिज के नीचे पोटिया बोरसी, दुर्ग शहर में ऐसा वार्ड बताएं जहां की सड़कें अच्छी हो, ऐसा चौक बता दें जो गड्ढे से मुक्त हो, ये इनकी विकास की कल्पना है। 152 करोड़ रुपये नरेंद्र मोदी के देने के बावजूद दुर्ग शहर प्यासा है। जितनी ज़रूरत इस शहर की जनसंख्या से 1.5 गुना ज़्यादा पानी हम फिल्टर करते, फिर क्यों शहर प्यासा है? तो ये इनके विकास को दिखाता है, ना कोई कल्पना है ना कोई प्रोग्राम है। माननीय विधायक जी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। एक काम, जितने की बोर्ड लगी है, कई 1000 करोड़ रुपयों के विकास का बोर्ड लग गया, फिर ये सारे चौराहों में क्यों गड्ढे हैं? जी रोड बन रहा है, वहाँ सर्पाकार नालियाँ क्यों बन रही है? कहीं 15 मीटर की सड़क, कहीं 6 मीटर की सड़क। तो अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, ये कहावत माननीय विधायक जी के ऊपर लागू होती है। वो 1 रुपये नहीं ला पा रहे हैं, प्रदेश सरकार में उनकी चल नहीं रही है और हम मांग करते हैं कि उनको तत्काल भिड़ना चाहिए और लाना चाहिए। दुर्ग शहर त्राही त्राही कर रहा है विकास के बिना। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।